अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। और दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं व्लॉग इतने टाइम से क्यों नहीं बना रहा था। वो यार, मैं इसलिए नहीं बना रहा था कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था। तो मैंने मोबाइल बेच दिया था मेरा काफ़ी टाइम से, तो अब मैंने न्यू मोबाइल लिया है। अब मैं इंशाल्लाह इसी मोबाइल से ही मैं व्लॉग बनाया करूँगा, तो आप सबके पास फिर अपडेट आया करेंगी। तो सही है, फिर अब चलते हैं, इंशाल्लाह व्लॉग बनाते हैं। और आज का व्लॉग मैं अपनी डेली रूटीन पे बनाने वाला हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा अपनी डेली रूटीन पे। सही है, तो अभी फजर नमाज का भी टाइम हो गया है, तकरीबन 6 बज रहे हैं। यहाँ गांव में तो 6 बजे आज़ान आती है, फिर उसके बाद 6:30 बजे नमाज हो जाती है। सही है, तो फिर चलते हैं नमाज पढ़ने। फिर नमाज के बाद मैं थोड़ी वॉक करूँगा, बाहर जाकर जॉगिंग वगैरह करूँगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसी कपड़ों में ही हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के फिर जॉगिंग के कपड़ों में आते हैं इंशाल्लाह। फिर आपसे मुलाकात करते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। तो दोस्तों, चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी फजर नमाज़ का भी टाइम हो रहा है, फजर नमाज़ पढ़ के फिर मैं आप सबसे मुलाकात करता हूँ इंशाल्लाह। सही है गाइस, टाइम मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया है। हाय हाय, क्या सर्दी है गाइस, टाइम ऊपर हो रहा है मेरे ख्याल से। वैसे मुझे यहाँ के, मैं असल में कराची था, मुझे पता नहीं था किस टाइम नमाज होती है गांव में। तो 7 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, नमाज तो हो गई होगी, जमाई तो हो गई होगी। मैं चल के पढ़ता हूँ नमाज, देखते हैं फिर। सही है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, गांव में सर्दी कमाल की है कसम से, बहुत सर्दी लग रही है मुझे। तो गाइस, मैं मस्जिद में पहुंच चुका हूँ, ये मेरी मस्जिद है। सही, नमाज पढ़ के फिर मैं आप सबसे मुलाकात करता हूँ इंशाल्लाह। तो गाइस, अभी मैं नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ। यार, नमाज तो हो चुकी थी, जमात हो चुकी थी, मैं जाकर पढ़ाया नमाज। लेकिन यहाँ सर्दी तो बहुत है, मैं लोग काम पर हूँ। ये देखो, मुंह में से धुएं निकल रहे हैं, इतनी सर्दी है गाँव में। तो दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ कपड़े चेंज करने जॉगिंग के लिए। आप सबको तो पता होगा, कमी सलवार में सही से बंदा जॉगिंग नहीं कर सकता, वॉक नहीं कर सकता, इसलिए मैं कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ। फिर मैं आप सबसे मुलाकात करता हूँ इंशाल्लाह। सही है। A few minutes later. सो गाइस, नाउ आई एम रेडी, सो लेट्स गो। तो गाइस, गाड़ी रेडी है, गाड़ी रेडी है, अब बस जाएंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं छोटी मोटी थोड़ी वर्कआउट होती है, वो भी मैं करूंगा सुबह को। तो दोस्तों, मैं अभी अपनी ज़मीनों पे आया हुआ हूँ और वहाँ पे मैं वर्कआउट वगैरह करूँगा, जॉगिंग वगैरह करूँगा। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Thank you.
तो दोस्तों ये मैंने कुछ अपने छोटे मोटे वर्कआउट मैंने आपको शेयर किया 5-6, और ये सुबह में लाजमी करनी चाहिए, अच्छा होता है बंदे के लिए। ये कुछ एक्सरसाइज मैंने किए, ये फुटबॉल के लिए भी ज़रूरी होता है बहुत, जो बंदे फुटबॉल के शौकीन हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उनके लिए भी ये ज़्यादा अच्छा है। इससे ट्रेनिंग हो जाती है फुटबॉल की, रनिंग वगैरह प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी सी। तो दोस्तों अब मैं वापस घर की तरफ निकल रहा हूँ, ये मैंने कुछ वर्कआउट और ये जॉगिंग वगैरह की थी मैंने आपको शेयर किया। ये मैं रोज़ाना, मतलब डेली रूटीन है मेरी, ये मैं रोज़ाना करता हूँ। सुबह सवेरे उठता हूँ, फजर नमाज पढ़ने जाता हूँ, पढ़ के फिर मैं अपनी ज़मीनें वहाँ पे, मौसम भी ज़्यादा खूबसूरत होता माशाल्लाह, तो ज़मीनों में मैं जाता हूँ, थोड़ी बहुत वर्कआउट हो जाती है, बंदा रिलैक्स हो जाता है, काम हो जाता है बिल्कुल। तो बस आप लोग भी कीजिएगा ये, और ये कोशिश कीजिएगा सुबह सवेरे उठें, फजर नमाज पढ़ें, तो सही है। 15 minutes later तो दोस्तों मैं अभी घर पहुँचाऊँ, अब मैं थोड़ा पानी वानी पीऊँगा, फिर उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगा, गन्ने की कटाई हो रही है ना, मेरे जो गन्ने हैं उनकी कटाई हो रही है, मैं वहाँ फिर जाऊँगा थोड़ी देर के बाद देखने वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, सही है। तो फिर वहाँ पर मुलाकात करते हैं, वहाँ पर मिलते हैं। तो दोस्तों मैं अभी, मेरे गन्ने की कटाई हो रही है, मैं वहाँ पे आया हुआ हूँ, तो मैं आपको उनके बारे में भी कुछ शेयर करवाता हूँ, उनकी आपको मालूमात मैं आपको देता हूँ थोड़ी बहुत, सही है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काटते हैं गन्नों को, क्या है क्या नहीं है, सही है, सब आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। तो देखें किस तरह होती है गन्नों की कटाई। और अभी तो आप सबको तो पता ही होगा कि गन्नों की सीजन चल रही है, गन्नों की सीजन इसी महीनों में ही होती है, अभी गन्नों की सीजन ही चल रही है। तो दोस्तों मैंने आपको ये छोटा सा शेयर किया कि कैसे ये गन्नों की कटाई होती है, ये लोग काट रहे थे वहाँ पे, मैंने आपको दिखाया, सही है। बस आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।